नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज है ट्यूसडे और अभी यहाँ के सुबह के 11 बजने में किसी लौंडे ने कुछ बहुत बड़ी चीज गिरा दी है। सो गाइस आज है ट्यूसडे और अभी यहाँ के सुबह के एग्जैक्टली 11 बज चुके हैं और जैसे कि आपको पता होगा अगर आप एक सच्चे आर्मीज है ना तो कल आने वाला है हमारे सैवेज किंग शुगा का हैप्पी वाला बर्थडे। सो ऑनेस्टली मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं शुगा के बर्थडे के दिन मैं थेगू जाऊँ जो कि शुगा की होम टाउन और वहाँ पे उसकी मम्मी के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोरिया में इन दिनों जो कोविड के केसेस है ना वो बहुत ही बढ़ रहे हैं और हर तीसरा इंसान जो मेरे आसपास रहता है ना वो भी बीमार होता जा रहा है, तो मुझे भी थोड़ी घबराहट हो गई। घबराहट इतने मुश्किल शब्द आते हैं मुझे, गुड जॉब पूनम गुड जॉब। सो क्योंकि मेरी अंदर से फट रही थी कि मैं क्यों इतनी दूर जाऊँ इतना रिस्क लूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ख्वांगजू में जो शुगा के बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहे हैं ना वो वाले दिखाऊं। तो सबसे पहले हम जाने वाले डाउनटाउन में जवानों के अड्डे में, लेकिन वहां पर जाने से पहले मैं आपको मेरी फैशन दिखाना चाहती हूँ। पर्पल वाली ड्रेस पहन रखी है, ये रहे लेदर वाली नी बूट्स, पर्पल कलर के नाखून और यहाँ पर पीछे है रिबन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पर्पल कलर का मास्क। लेट्स गो। सो डाउनटाउन जाने के लिए मैं लेने वाली हूँ वो वाली टैक्सी मोटरसाइकिल, ये रही मेरी टैक्सी यहाँ से। ये वाली टैक्सी कितनी हाई फाई है, इसके अंदर है एक लैपटॉप जो कि मुझे थोड़ा डेंजरस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ये इंसान जो कमेंट्स है ना यूट्यूब के वो फट रहा है, और वहाँ पर रहा एक डायनासोर जिसने मास्क पहन रखा है। सैडली ख्वांगजू में शुगा से रिलेटेड ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, ज्यादातर यहाँ पे आपको जे होप के बारे में चीजें मिलेगी, लेकिन फिर भी आपकी छपरी खपरी यूट्यूबर पूनम दीदी ने मैंने कुछ खजाने खोज लिए हैं आपके लिए जहाँ पर खासकर शुगा के लिए कुछ इवेंट रखे हुए गए हैं, तो आज हम वहाँ पर जाने वाले हैं। मतलब कि आपको इतनी अच्छी दीदी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि खिंचल सुमिता वो पीछे वाले अंकल जी अभी एक लाइव कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि प्लीज मुझे फॉलो करना, मैंने बोला ठीक है करती हूँ बाद में। सो गाइस जैसे कि मैं आपको बोल रही थी अभी हम डाउनटाउन में आ चुके हैं और सबसे पहले हम जाने वाले हैं उस अंडरग्राउंड एरिया में क्योंकि वहाँ पर कुछ आर्मीज ने BTS के लिए कुछ पेंटिंग्स कुछ फोटोग्राफ्स इवेंट रखा हुआ है, तो हम वहाँ पर जाने वाले हैं चेकआउट करने के लिए। सो ये रहा अंडरग्राउंड मार्केट एरिया, यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते कपड़े मिल सकते हैं। यहाँ पर रही ओनली घड़ी की दुकान, यहाँ पर रहे कुछ बिदाम, इगो एल्मायो आलमंड मानोनियो खनाना अच्छा अच्छा ना गाइस, यहाँ पर हल्दी भी मिल रही है, इगो नन एल्मायो मैनेज ए कमसामिदा। बाप रे बाप इतनी महंगी हल्दी, प्लीज आप कमेंट में बताना कि आपको इंडिया में एक किलो हल्दी कितने की मिलती है क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। सो गाइस तदान ये रहा BTS का एरिया, सो यहाँ पर है BTS की पेंटिंग, यहाँ पर रहा हमारा बर्थडे बॉय शुगा जिमिन RM जिन, यहाँ पर जिन और वी एक जैसे क्यों दिख रहे हैं JK एंड जे हो परमिशन टू डांस। बाय द वे गाइस मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि मैं फाइनली BTS के कॉन्सर्ट में जाने वाली हूँ। ये कॉन्सर्ट और टिकट्स की डिटेल मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताती हूँ, अभी हम ये वाली BTS की ब्यूटीफुल पेंटिंग देखते हैं। सो गाइस मुझे लगा था कि ये वाली एक फ़ोटो है लेकिन ये एक फ़ोटो नहीं एक पेंटिंग है, मतलब कि इतनी रियलिस्टिक पेंटिंग, इतना टैलेंट कहाँ से लेके आते हो आर्मीज। कॉफी शॉप जिसका नाम है क्रॉफल और यहाँ पर शुगा का पोस्टर, तो इस कॉफी शॉप में शुगा के बर्थडे के लिए इवेंट रखा है, तो अभी हम अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। सो लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पर रहे कुछ शुगा के पोस्टर्स मोटरसाइकिल
सो गाइज ये वाला कॉफी शॉप बहुत ही क्यूट है। यहाँ पे बहुत सारे बीटीएस के जो फोटोज है ना वो वाले लगे हुए हैं और वहाँ पर पीछे कुछ गुब्बारे भी लगे हुए हैं। सो ये रही ठंडी ठंडी कॉफी जो कि शुगा की फेवरेट है, आइस कॉफी, और यहाँ पर है बनाना एंड न्यूटेला क्रफल। अगर आप यहाँ पे ओवर 6000 पैसे खर्च करते हो ना तो आपको फ्री में ये वाला कप देते हैं जहाँ पर शुगा की फोटो है, ऑगस्ट ही लिखा हुआ है। और इसके अंदर अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या है। यहाँ पर है एक शुगा का फोटो कार्ड, सो हैंडसम। और उसके बाद में आपको मिलती है ये वाली शुगा की पिन। लेट मी ओपन इट। डोली शोली, इस पिन को भी हम यहाँ पे लगाते हैं। सो कूल। ये वाला कोट मैंने पिछले हफ्ते ड्राई क्लीनिंग करवाया था, बहुत ही महंगा, और मैंने उसको ऑलरेडी खराब कर दिया। ये तो होना ही था, मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। एनीवे, अभी हम ये ठंडी ठंडी कॉफी पीते हैं, मजा आ गया। अभी हम ये वाला क्रफल ट्राई करते हैं। इसके अंदर है बनानास और यहाँ पर ऊपर है न्यूटेला। इट्स सो गुड गाइड, बहुत ही क्रंची है, स्वीट है, और जो बनाना का टेस्ट है ना वो भी बहुत फ्रेश है। गुड गुड गुड। लास्ट बाइट। सो गाइस अभी मैंने मेरा खाना पूरा खा लिया एंड नाउ लेट मी रिटच माय लिपस्टिक मेकअप बैग। आज हम ये फैंसी वाली महंगी वाली लिपस्टिक लगाते हैं। आई लाइक दिस सॉन्ग। बहुत टाइम हो चुका मैंने ये गाना नहीं सुना, बट दिस सॉन्ग इज सो गुड। कॉन्वर्स हाई। सो गाइज मैं फाइनली घर पर आ चुकी हूँ और अभी यहाँ के कितने बज गए, 3:30 बज चुके हैं। और मैंने रियलाइज करा कि मैंने अभी तक आपको जो मेरी बीटीएस की टिकट की कॉन्सर्ट की स्टोरी है ना वो नहीं बताई, क्योंकि वो काफी लंबी चौड़ी स्टोरी है। सो अभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो जब बीटीएस ने अनाउंस करा कि मार्च में उनका कोरिया में कॉन्सर्ट आने वाला है ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और मैंने सोचा कि इस बार मुझे जरूर ही बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाना है। सो बेसिकली बीटीएस के कॉन्सर्ट की टिकट आप वीवर्स शॉप वेबसाइट से खरीद सकते हो, जहाँ पर आपको बीटीएस की मर्च भी मिल सकती है, उनके कॉन्सर्ट की टिकट भी मिल सकते हैं। और एक्चुअली इस वेबसाइट पे मेरा प्रीमियम जो आर्मी मेंबरशिप होता है ना वो वाला है, तो इसका ये मतलब है कि मैं जब भी कोई कॉन्सर्ट आता है ना बीटीएस का, तो मैं एडवांस में उनकी कॉन्सर्ट की टिकट खरीद सकती हूँ कंपेयर्ड टू अदर पीपल जिनके पास वो मेंबरशिप नहीं है। सो उसकी वजह से मेरे हायर चांस होते हैं वीआईपी टिकट खरीदने के या इकोनॉमी टिकट खरीदने के कंपेयर्ड टू द पीपल दैट डोंट हैव द मेंबरशिप। सो जिस दिन आर्मी मेंबरशिप प्री सेल टिकट का होने लगा उसी दिन मुझे थैंकफुली 2 टिकट मिल गई। और फनी बात यह है कि मुझे एक वीआईपी टिकट मिली और एक जो इकोनॉमी क्लास है ना वो वाली टिकट मिली। तो यहाँ पर मैं आपको उनका प्राइस बता दूंगी। और मैंने सोचा कि मैं वीआईपी टिकट में चल जाऊंगी और जो क्रिस है ना वो गरीब वाली इकोनॉमी टिकट में वो कॉन्सर्ट देख लेगा। लेकिन ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। सो ये टिकट खरीदने से पहले मैंने मेरी कंपनी से पूछा था कि क्या मुझे 2 महीने की छुट्टियां मिल सकती है, क्योंकि मुझे कोरिया में 3 साल हो गए, मैं मेरे मम्मी पापा को मिस कर रही हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी 2 महीने छुट्टियों की। सो जिस दिन मैंने बीटीएस के कॉन्सर्ट लाइव स्टेडियम कॉन्सर्ट के टिकट खरीदे थे ना, उसी दिन मुझे कंपनी से कॉल आया और उन्होंने बोला कि पूनम जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है ना 2 महीने की छुट्टियों की वो एक्सेप्ट हो चुकी है। और उस दिन मैं इतनी खुश थी कि आपको क्या बताऊं, मतलब कि मुझे बीटीएस के कॉन्सर्ट की टिकट मिल गई और मुझे 2 महीने की पेड वेकेशन छुट्टी भी मिल गई। इसका यह मतलब है कि 2 महीने तक मैं जॉब पर नहीं जाऊंगी लेकिन फिर भी मुझे फुल सैलरी मिलेगी। सभी तक जो कहानी है ना वो बहुत ही स्मूथली जा रही है। उससे कुछ दिन बाद में जो कोविड के केसेस है ना कोरिया में, स्पेशली सोल में, वो इतने बढ़ने लग गए कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब कि जो डेली केसेस थे ना वो इंडिया से भी ज्यादा थे। तो जैसे कि आपको पता है मैं ख्वांगजू में रहती हूँ जहाँ पर कोविड के केसेस बहुत ही कम है कम्पेयर टू सोल। सो अगर मैं ख्वांगजू से सोल जाती हूँ, एक स्टेडियम में जाती हूँ जहाँ पर 15,000 आर्मीज होगी बीटीएस कॉन्सर्ट देखने के लिए, और वापस मैं सोल से ख्वांगजू आती हूँ, तो मैं डायरेक्टली कंपनी में जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे सेफ्टी के लिए 2 हफ्ते की क्वारंटीन करनी पड़ेगी घर पर, और 2 हफ्ते की क्वारंटीन करने के बाद में मैं वापस कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो अभी आप सोच रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम ये है कि जो 2 हफ्ते की क्वारंटीन मुझे मेरे घर पर करनी पड़ेगी वो 2 हफ्ते मेरी 2 महीने की छुट्टियों से काटे जाएंगे। इसका ये मतलब है कि अगर मैं इटली या इंडिया जाती हूँ मेरे मम्मी पापा से मिलने के लिए, तो मैं 2 महीने की जगह सिर्फ 1 महीना और 2 ही हफ्ते मिल सकती हूँ। और ऑनेस्टली मैं बीटीएस से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मेरी फैमिली से 1000 गुना ज्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे 3 साल हो गए उनसे मिले हुए। तो ऑफकोर्स मैं 3 घंटे कॉन्सर्ट देखने की जगह और 2 हफ्ते यहाँ पे कोरिया में क्वारंटीन करने की जगह मैं चाहती हूँ कि मैं वो 2 एक्स्ट्रा हफ्ते मेरे पेरेंट्स के साथ गुजारूं। तो उसकी वजह से मेरे दिल पर पत्थर रख के मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम स्टेडियम में कॉन्सर्ट नहीं देखते हैं, हम जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है ना वो वाला कॉन्सर्ट देखते हैं। और जो 2 टिकट्स मैंने खरीदी थी ना, मैंने सोचा कि चलो मैं मेरे फ्रेंड्स को दे देती हूँ, उनको गिफ्ट कर देती हूँ, या फिर किसी और को बेच देती हूँ क्योंकि उनको टिकट्स नहीं मिली। लेकिन हुआ ये कि उन दिनों जो रशिया और यूक्रेना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना वो काफी सीरियस और सीवियर हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वो टिकट्स है ना उनको रिफंड करके जो मेरे पैसे मिलेंगे ना, जो कि काफी यू नो बिग अमाउंट था,
वो मैं यूक्रेन को डोनेट कर देती हूँ ताकि कि वो पैसे किसी की मदद कर सके। तो उसकी वजह से मैंने रिफंड करा और जो पैसे मुझे मिले ना वापस, उन पैसों में से मैंने ऑनलाइन टिकट खरीद ली और जो बाकी के पैसे बचे ना वो मैंने उनको दान कर दिए। और मुझे पता है कि आप ये सोच रहे हो कि दीदी आपने ऐसा क्यों करा, ये तो लाइफ में एक बार मौका मिलता वो भी आपने गवा दिया। लेकिन ऑनेस्टली आप मेरे से छोटे हैं, आप बहुत ही नादान और मासूम हैं, और जो आपकी प्रायोरिटीज है ना वो मेरी प्रायोरिटी से बहुत ही अलग है। मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है और मेरी जॉब लाइफ है, और जो BTS है वगैरह वो भी मुझे पसंद है, बहुत ही पसंद है, लेकिन वो मेरी टॉप 3 या टॉप 5 प्रायोरिटीज में नहीं आते। Anyway, मैं BTS का कॉन्सर्ट देखने वाली हूँ जो की है लाइव स्ट्रीमिंग एट द सिनेमा थिएटर। तो मैंने सिनेमा हॉल में बुक करी है 2 टिकट और वहाँ पे सिनेमा हॉल में सिर्फ 85 लोग अलाउ हैं, तो काफी सेफ एनवायरनमेंट है। और ये वाली भी टिकट काफी एक्सपेंसिव है क्योंकि वहाँ पर जाके आपको जो BTS के मर्च है ना वो फ्री में मिलेंगे, और जो वहाँ पे सीट है ना सिनेमा की वो हिलती है, मतलब कि अगर म्यूजिक थोड़ा लाउड है तो वो ज्यादा शेक करेगी, म्यूजिक स्लो है तो वो यू नो ऐसे शेक करेगी, तो काफी यू नो 4D एक्सपीरियंस है। फिर बाद में सीलिंग से जो गुब्बारे निकलते हैं, हवा निकलती है, पानी फटाके निकलते हैं ना, वो भी निकलेंगे। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू See the live streaming. So guys, ये थी मेरी flashback की BTS concert की story. और actually मैं बिल्कुल भी अफसोस नहीं कर रही, बिल्कुल भी sad नहीं हूँ कि मैंने क्यों टिकट वो वापस दे दी, क्यों मैं concert पर नहीं गई, क्योंकि आई थिंक कि जो मैंने कराना वो उससे 100 गुना ज्यादा बेटर है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ गाइज। और एक्चुअली इस व्लॉग से पहले मैंने एक और व्लॉग बनाना था जो कि एक प्रैंक था, एक बहुत ही स्टूपिड प्रैंक था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि प्रैंक स्टार्ट होते ही लोगों को पता चल गया कि वो प्रैंक था, तो वो मेरा वीडियो पूरा फेल हो गया, तो मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आई लव यू, बाय।